नमस्कार, अपना पंचे देख रहे विराट के बहेली बुलेटिन सोनो के साथ। जनपद पंचायत नई गढ़ी के जनपद सभागार मां समिति के गठन खातिर निर्वाचन प्रक्रिया भय, जेमा मुख्य रूप से निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नई गढ़ी शैलेन्द्र पांडे और तहसीलदार प्रवीण पाटीदार सहित SDM नई गढ़ी मऊगंज AP द्विवेदी निर्वाचन अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। नई गढ़ी जनपद CO तहसीलदार SDM के ऊपर आरोप लगाए गए। हम आई अपना का सुनाई थे जनपद सभागार में उपस्थित लोग का कहीं। ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि मिनिमम 5 सदस्यीय समिति होनी चाहिए। उसका नई गढ़ी अध्यक्ष श्रीमती ममता कुंज बिहारी तिवारी, जो हमारी धर्मपत्नी है, उन्होंने 5 सदस्यीय समिति का संकल्प पत्र पारित किया था बहुमत से, और आज 17-8 के बहुमत से उन्होंने अपनी समिति का जो प्रस्ताव है SDM के सामने पेश किया, और जिसको उनको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के दबाव में वो बोलते हैं कि विपक्ष के दो दो लोग जोड़ो, जबकि मऊगंज में, हनुमना में, पूरे रीवा जिला और प्रदेश में 5 सदस्यीय समिति का चुनाव हुआ। जब संकल्प पत्र ही 5 सदस्यीय का है, फिर अध्यक्ष का विशेषाधिकार है तो किसको रखता है किसको नहीं? क्या भाजपा का मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायक दबाव देंगे कि हमको मंत्री बनाओ तो बना देगा? यहाँ पे सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक महिला अध्यक्ष बनी है जिससे वो पच नहीं पा रहा है, और अगर न्याय नहीं मिलता तो अभी ममता कुंज बिहारी तिवारी और मुकुंज बिहारी तिवारी दोनों पेट्रोल डाल के इसी जनपद प्रांगण में आत्मदाह करेंगे, जिससे भविष्य में इनकी लोकतंत्र की हत्या करने की जरूरत न पड़े। और ये शर्मसार करने वाला निर्णय था कि एक महिला जनपद अध्यक्ष को उसके प्रस्ताव और संकल्प के खिलाफ उसमें दबाव बनाया गया कि विपक्ष के दो सदस्यों को जोड़ो, जिससे महिला जनपद अध्यक्ष जो है, जो जनहित के लिए ईमानदार सदस्यों को अपनी समिति में रख रही थी, जो जनता का हित करें, जो भ्रष्टाचार रोके, उसकी समिति न बनने पाए, इसलिए विपक्ष के दो दो सदस्यों को जबरदस्ती SDM साहब ने और नई गढ़ी जनपद CO ने उसको दबाव दिया कि दो दो सदस्य जोड़ो, नहीं नहीं चुनाव होगा। और जब संकल्प पारित 5 सदस्यीय का है, इन्होंने किस अधिकार के साथ, किस कानून के साथ कह दिया कि आप दो सदस्य और बढ़ाओ? अभी क्या समिति का अभी काम चालू है? अभी काम रुका हुआ है, अभी पूरे सदस्य बहिर्गमन करेंगे, और उच्च अधिकारी, कलेक्टर और कमिश्नर और चुनाव आयोग और पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग देख ले कि किस तरह से यहाँ तानाशाही है। अभी तो चर्चा चल रही, नियम प्रक्रिया है, किसी को मालूम नहीं रहता, तो अभी तो हम नियम को क्या है, कैसे प्रावधान है, लोगों को कॉपियां दिए हैं। जनपद अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि समिति में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, और इस पर आप लोग, 5 लोगों का संकल्प पारित किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि SDM और तहसीलदार महोदय ने 7 लोगों को करने का बाध्यता। नहीं, कोई बाध्यता नहीं की जा रही, न मैंने कोई ऐसा कहा है कि 7 लोग करें, कि 5 लोग जो भी वो जनपद संकल्प पारित करती है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, वो आख्यान करके बताया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग निर्वाचन की प्रक्रिया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रिजित BDO ब्रोंकोस्कोपी विधि से पहल बेर सफल सर्जरी कई के कीर्तिमान स्थापित करें। यह जटिल ऑपरेशन ENT विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के नेतृत्व में कीन गए। डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार सतना जिला के ग्राम पंचायत बिधुई खुर्द के रहाय वाले ऋतिक साकेत पिता राजकुमार साकेत, उम्र 14 महीना, मूंगफली के दाना निगल ले रहे, जौन मूंगफली के दाना लड़का के सांस नली में अटक गया, जैसे सांस ले में परेशानी हो लाग, जेकर ऑपरेशन कीन का, अब लड़का स्वस्थ हब है। मैं देवकी साकेत, ये मेरे पति राजकुमार साकेत, ये मेरा बच्चा ऋतिक साकेत, मैं बिधुई की रहने वाली हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट सतना लगता है। मैं पोहा बनाई थी, पोहे में मूंगफली डाली थी और मेरा बच्चा खा गया था, खाने के लिए दी थी तो ये ऋतिक साकेत खा लिया था, और खाते खाते इसे खांसी आई, खांसी आते समय इसकी मूंगफली अटक गई, और ये मुझे नहीं पता कि कहाँ अटक गई, और मैं इसे गांव के डॉक्टर के पास ले गई इलाज कराने, उसने विक्स इसे सुंघा दिया, और विक्स सुंघाया तो इसका हकरा बढ़ गया, और हकरा चलते चलते मैं एक दिन घर में इंतजार की, उसके बाद डॉक्टर को दिखाई रीवा सरकारी में, फिर डॉक्टर को दिखाई तो इसे डॉक्टर ने इसका इलाज किया, इलाज करते करते ये 2 दिन ठीक था, और 2 दिन के बाद फिर से उसी तरह इसका हकरा चलने लगा, और फिर मुझे सर डॉक्टर ने संजय गांधी को रेफर किया,
फिर हम संजय गांधी आए और संजय गांधी में भर्ती हुए इसको लेकर, इस बच्चे को भर्ती करवाया 16 तारीख को। फिर डॉक्टर ने लिखे इसका सीटी स्कैन करने के लिए, सीटी स्कैन कराया तो इसे पता चला कि इसके गले में अटकी हुई है सांस की नलिनी। फिर उसे लेकर आए वहां से, फिर डॉक्टर देखे वो सीटी स्कैन और सीटी स्कैन देखकर बोले कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर 18 तारीख को इसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन लिए ऑपरेशन इसका सक्सेसफुल रहा। बिछिया थाना क्षेत्र के भटलो गांव में हुआ समय सनाका खिंचिका। जब सवेरे गांव के सोए के जागे तक गामई के 60 साल के राम मिलन कोल अपने बिस्तर में मरे पड़े रहे। सगले मामला की जानकारी बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर का दिन गए था। आनन फानन में मौका में पहुंच के थाना प्रभारी मौका मुआयना कई के सबके पोस्टमार्टम कराए के परिजनन का दहीधीन हमा। आई अपना का सुनाई थे पूरे मामला का लय के थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर का कहन। ये क्या है पूरा मामला? जी हाँ, आज सुबह करीब 6:30-7 बजे जो है एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को जो है, जो नाम है उसका राम मिलन कोल, उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने जो है एक धारदार हथियार से जो है गले के साइड में जो है चाकू से हमला कर दिया है। सूचना पर हम लोग तस्दीक के लिए गए थे तो देखा कि एक कान के नीचे जो है धारदार हथियार से उसका एक कट लगा हुआ है और उसी से उसकी जो है मृत्यु होना संभावित है। और आगे कार्रवाई जो है के लिए हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी सामने आई, परिजनों को संदेह जताया है किस पर? अभी चूंकि उसका किसी से वाद विवाद था नहीं और बहुत ज़्यादा सीधा व्यक्ति है तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि कुछ पारिवारिक ही विवाद संभावना है और अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है। क्या तथ्य सामने आएंगे, जो भी होगा तो विवेचना का पार्ट है, वो आपको अवगत हो जाएगा। वो बात करी थे रीवा जिला के, जहां शहर के बीचों बीच नीम चौराहा के लगे बाइक सवार दुई ठे गुट में बहस के बाद हवाई फायर कीन का घटना रात के लगभग 8 बजे किया। वहीं यह फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई गई, जैसे दंगाइन का पहचाना जा सकत हब। अपना का बताए दे रीवा में दिन दहाड़े गुंडन के आतंक देखे का मिला थब। प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर भये प्राणघातक हमला और लूट के आरोपी के गिरफ्तारी के मांग कलई के सैकड़न जने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के ज्ञापन सौंपिन और गिरफ्तारी के मांग करीन हमा। अपना का बताए दे 16 अगस्त का प्रॉपर्टी के काम करे वाले जयप्रकाश पटेल और राकेश रतन पटेल के वकील के घरे से ऐश्वर्या राज सिंह, पीयूष मिश्रा, विनय सिंह और पवन द्विवेदी पिस्टल के नोक में अपहरण कई के बेरहमी से मार के गोड़ हाथ तोड़ दहीन और 20 लाख के फिरौती मांगत रहे। आई अपना का सुनाए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे वाले का कहन। 4 दिन पहले जो एक बालक राकेश रतन जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके साथ जो मारपीट हुई है, जयवीर सिंह जेपी पटेल, दो लड़कों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, जिन पर महिया थाना में रिपोर्ट तो दर्ज की गई है लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी है, इसलिए आज हम लोग यहाँ एसपी साहब के संज्ञान में बात डालने के लिए ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए, इन्हीं सब बातों को लेकर तो हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और न्यायसंगत कार्रवाई हो। एसपी साहब ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया, हर जगह बात भी किया और ऐसी उम्मीद है कि एसपी साहब के संज्ञान में आने के बाद, बात तो संज्ञान में उनके पूरे ज़िले की रहती है लेकिन हम लोगों के बताने के बाद उन्होंने हर जगह सबको सूचित किया और आगे अगली कार्रवाई करने के लिए उन्होंने सब जगह निर्देशित किया है और उम्मीद है कि शाम तक सारा का सारा जो मामला है वो पूरा सामने आ जाएगा। कहाँ से अपहरण किया गया था इनको? अब सिरमौर चौराहे से इनके घर से बुलाया गया था इनको किसी बात के समझौते के लिए, लेकिन ले जाकर कहीं अन्यत्र स्थान में इनके साथ मारपीट की गई थी। वीडियो भी है, वीडियो मेरे संज्ञान में अभी आया है कि वीडियो बना हुआ है, बाकी फोटोज, और मैं हॉस्पिटल भी देखने गया था तो वहाँ तो उनकी हालत देखा ही है, किस बेरहमी से मारा गया है उन लोगों को। माने इस तरह से अपराधियों को नहीं मारा जाता, जिस तरह से पुलिस नहीं मारती, जिस तरह से उनके साथ कृत्य किया गया है। और हमने देखा, उनकी पिक्चर भी लिया हूँ, वीडियो तो अभी बताए हैं कि किस तरह से मतलब वो है, लेकिन फ़ोटो देखकर ऐसा लगता है कि कपड़े खोल कर मारा गया है, पीठ में भी चोट के निशान है, यहाँ भी है, यहाँ भी, माने पूरे शरीर में हर जगह उनके चोट के निशान लगे हुए हैं।
पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी एकठे प्रेस वार्ता के दौरान कहीं के सगले बिंद क्षेत्र में यह साल बरसात कम हो के चलत किसानन के बोनी के काम ढंग से नहीं हो पावा और ज्यादा किसान अबे अपने खेते में पानी आवे से रोपा लगावत हम आवारा गो बंसव किसान का रोज नुकसान पहुँचाए रहे हम आई अपना का सुनाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कई के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का कहन वर्षा नहीं हुई किसान भी सुन रहे हैं मेरी बात को। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपको थोड़ा भी आपकी एजेंसी काम करती हो रीवा डिवीजन से भी सुन रहे हो, एक वर्षा में पूरे शहर का पोल खुल गया, एक वर्षा में तबाही हो गई, एक दिन की हल्की वर्षा, गांव में पानी नहीं है, गांव में ये पानी थोड़ा सा भरा अब निकल गया, कहीं कहीं बांध भरे नहीं है, एक वर्षा में शहर की स्थिति ये है कि आप तो चल नहीं सकते, आपको मैं चलना दूभर हो गया, कानून व्यवस्था है नहीं, कोई सिरमौर में पीट रहा, कोई सिमरिया में पीट रहा है, कोई हनमना में पीट रहा, कोई कहीं पीट रहा, ये है क्या है? ये तो जंगल राज बोलते हैं साधारण भाषा में, ये जंगल राज नहीं है, ये गुंडा राज है, जंगल राज में तो कम से कम कुछ डाकू लोग ये करते हैं, जो आदमी विधिसम्मत कानून बनाने के असेंबली पर बैठता हो, कानून का संशोधन करने पर बैठता हो, वो इस तरह से कृत करते, वो कहेगा कि कांग्रेस करा रही है, फलाना नेता करा रहा, वो कहेगा कि नहीं ये फलाना नेता करा रहा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी कैसा आपको विधायक चाहिए? जो बिके खरीदी करो और सरकार बनाओ, सरकार चलाओ, अब इसके लिए आपको विधायक चाहिए? विधायक होता क्या? मैं विधायक भी था, विधायक दल का नेता भी था, विधायक इसके लिए नहीं होता है कि 30 करोड़ में जनपद सदस्य खरीद पाए, गाड़ी में अपने बेड़ के ले आए तो यहाँ होटलों में रखे। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।